एक अलग आरजेडी से डील की चर्चा हो रही है, उस डील में अगर सच्चाई है तो बिहार के लोग उसको स्वीकार करने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड, तो उसमें यह बात लिखी गई है, तो लिखित रूप में उपेंद्र कुशवाहा है और मौखिक रूप में कह रहे हैं कि नहीं है। यही बात तो हम कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, करोड़ों लोगों की पार्टी है, इसलिए उनकी पार्टी का कोई मतलब नहीं। जनता दल यूनाइटेड शरद यादव जी की पार्टी, उसी पार्टी को शरद जी को ही भगा करके कब्जा कर लिया गया और नीतीश जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी कैसे। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासी माहौल गरमाई हुई है, खूब बयानबाजी हो रही है और चर्चा है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की राहें अलग हो चुकी है। सीएम नीतीश जिस तरीके से तीखे वार कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पर, कुशवाहा भी पीछे कहां हटे हैं। कुशवाहा भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जेडीयू की स्थिति खराब हुई है, जो जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार हैं। साथ ही साथ हिस्से की भी बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा के तेवर काफी अब नरम होते नहीं दिख रहे हैं, नाराजगी वाले हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का एक और बड़ा बयान सामने आया है, जिस जेडीयू को नीतीश कुमार की जेडीयू बताई जाती है, कुशवाहा ने कहा ये तो शरद यादव की पार्टी है ना, लेकिन शरद यादव को भी धोखा दिया नीतीश कुमार ने। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है और जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू के बीच डील को लेकर चर्चा चल रही है कि डील क्या है, उपेंद्र कुशवाहा करें विलय वाली बात है, ये तो करोड़ों लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरा सुनिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ करें। आज जो करोड़ों लोग बिहार भर में जुड़े हुए रहे, आज एक अलग आरजेडी से डील की चर्चा हो रही है, उस डील में अगर सच्चाई है तो बिहार के लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हुए करोड़ों लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं, और इस बात को लेकर लोगों के मन में चिंता है कि आखिर क्या होगा। तो जिनके मन में भी चिंता है पार्टी के साथियों के साथ, यही स्थिति बनी रही तो पार्टी तो बर्बाद हो जाएगी। तो पार्टी को बर्बादी से बचाने की चिंता रखने वाले लोगों को हमने बुलाया है, तो मकसद बड़ा है, इसलिए कोई क्या बोलता है उसका कोई अर्थ मेरे लिए। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अब हैं ही नहीं। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं ना, हम तो पहले से कह रहे हैं कि कागज में जो कागज उनका आज भी कह रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा से बने ललन सिंह जी, उनके अध्यक्ष बनने के बाद भी कई बार जो राज्य कार्यालय से सर्कुलर जारी हुआ है, जो रिलीज जारी हुआ है, उस रिलीज की कॉपी आप लोगों के कार्यालय में भी होगी, उस रिलीज के हिसाब से देखिए तो उसमें बार बार लिखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड, तो उसमें यह बात लिखी गई है, तो लिखित रूप में उपेंद्र कुशवाहा है और मौखिक रूप में कह रहे हैं कि नहीं है। यही बात तो हम कह रहे थे कि कागज में इन लोगों ने बना दिया लेकिन एक झुनझुना थमा दिया, तो जो झुनझुना की बात जो हम कर रहे थे इसको ललन सिंह जी ने बोलकर स्वयं साबित कर दिया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि जदयू हमारी पार्टी है और आप लगातार आए गए, तीन बार आए लगातार, मतलब उनका कहना है कि आपको भगोड़ा साबित कर दिया। देखिए, जनता दल यूनाइटेड किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं, करोड़ों लोगों की पार्टी है, इसलिए उनकी पार्टी का कोई मतलब नहीं। और अगर व्यक्ति के रूप में भी अब नीतीश कुमार जी नेता हैं, मानते हैं कि उनकी पार्टी है, तो यह पार्टी उनकी नहीं है, यह पार्टी शरद यादव जी की पार्टी है। शरद यादव जी ने इस पार्टी को बनाने का काम किया था, समता पार्टी बनी थी जो नीतीश जी की पार्टी थी, तो नीतीश जी उसमें समता पार्टी को विलीन कर चुके। अब जनता दल यूनाइटेड शरद यादव जी की पार्टी, उसी पार्टी को शरद जी को ही भगा करके कब्जा कर लिया गया और नीतीश जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी कैसे उनकी पार्टी है, नहीं है उनकी पार्टी। तो उपेंद्र कुशवाहा को आप सुन रहे थे, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन जब ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हो कि अब आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है, तो उपेंद्र कुशवाहा करें बताइए ना कर क्या रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार को एक बार फिर से निशाने पर ले लिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।